दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की डेट में भी बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे का बहुत प्रॉब्लम है। अगर वो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उनको 10, 20, 30, 40 या 50 हजार की जरूरत पड़ती है, तो वो इस पैसे की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए गवर्नमेंट द्वारा एक नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 10 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक का लोन बहुत ही आसानी से अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई करके तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कौन सा वो पोर्टल है और कैसे आपको अप्लाई करना है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस पोर्टल के माध्यम से 10, 20, 30 या 50 हजार रुपए तक की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं और खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पोर्टल पर चले आना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पोर्टल पर लॉगिन होइएगा तो यहाँ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई लोन। अगर आप 10 हजार का लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, अप्लाई लोन। यहाँ पे अगर आप 20 हजार का लेना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, अप्लाई अगर लोन। यहाँ पे अगर आप 50 हजार का लेना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। आपको कोई सा भी एक हम आपको लेके दिखा देते हैं। चलिए हम 10 हजार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ पे IM रोबोट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, जो भी कैप्चा कोड देगा आपको, उसको जो भी पज्जल देगा आपको, पज्जल को सही से यहाँ पे सेट कर लेना। सेट करने के बाद जो भी आपको देखने को मिलेगा, बस रहता है, कार रहता है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP को सेंड किया जाएगा और आपको यहाँ पर टाइप करना, और टाइप करने के बाद लॉगिन हो जाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको OTP को फिलअप कर देना होगा, जो भी OTP आएगा, देख सकते हैं OTP आ चुका है, तो OTP आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे OTP फिलअप कर देना है, वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको OTP को फिलअप कर लेना। चलिए हम OTP को फिलअप कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे OTP टाइप कर लेते हैं, इस तरीके से आपको OTP को टाइप कर लेना है और वेरीफाई OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। जैसे वेरीफाई OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहला आपको ऑप्शन देखने मिलता है चेक वेंडर कैटेगरी। ठीक है, दूसरा आपको ऑप्शन देखने मिलता है फिल अप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे कंप्लीट 4 स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा एलिजिबल आपको वेंडर कैटेगरी, इसका आपको अप्लीकेशन को यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपको यहाँ पे डिटेल रहेगा वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, अपलोड करना पड़ेगा। इसके यहाँ पर सबमिट अप्लीकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा, आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और तुरंत आपको अकाउंट आपका यहाँ पर तुरंत आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो कैसे आपको करना है देखिए, सबसे पहला आपको यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपको यस कर देना है, यस करिएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे आना, नीचे आपको यहाँ पे इलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ आपको सी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं सी का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, A, B और C, तो चलिए सॉरी A, C और D, तो आपको सी वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सी वाले को सिलेक्ट करिएगा, नीचे आइएगा, यहाँ आपको देखने को मिलता है 2 ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से समझिएगा आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आई हैव इशू लेटर ऑफ रिकमेंड LOR by ULB TBC। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना होगा, इसका अगर आप नहीं है तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना होगा। लेकिन आपका इसको सिलेक्ट करेगा आपको लोन नहीं मिलेगा, तो आपको इसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करिएगा तो आपके सामने देखते हैं यहाँ पे LOR अप्लीकेशन नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा, वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपको डिटेल को फिलअप करना होगा, डिटेल फिलअप करिएगा, वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपको नंबर कहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो भी हम बता देते हैं वो कहाँ से मिलेगा। चलिए यहाँ से आपको ये अप्लीकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा, बस आपको यहाँ पे LOR नंबर टाइप करिएगा, अप्लीकेशन नंबर टाइप कर लीजिएगा, टाइप करने के बाद अपना जो भी डिटेल रहेगा फिलअप करिएगा, डॉक्यूमेंट को अपलोड करिएगा, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपका फाइनल हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वीडियो में कमेंट करिएगा, भाई आपका पूरा कंप्लीट वीडियो बना देगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लॉगआउट कर लेते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा ये LOR नंबर आपको कहाँ से मिलेगा वो आपको हम बता देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिर से इसी पेज पे आना है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है अप्लाई, यहाँ पे देखिएगा अप्लाई LOR CUM लोन, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस वाला ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे अप्लाई LOR
CUEM वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, रिक्वेस्ट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना कर दीजिएगा आपको मोबाइल नंबर ओटीपी को सेंड किया जाएगा, ओटीपी आपको टाइप करना है, टाइप करने में लॉग इन हो जाना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आप लॉगिन होइएगा तो लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे चेक वेंडर कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वही तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे सी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको देखने मिलता है नेक्स्ट का एक ऑप्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपका फिर देखिए पहला आपको कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं दूसरे वाला ऑप्शन आ जाएगा फिर अप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म, तो आपको यहाँ पर नीचे आना, आपका यहाँ मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ अपना आधार नंबर टाइप करेगा, कैप्चा कोड पे टाइप करेगा, वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए आप यहाँ पे डिटेल को फिलअप करेगा, जैसे आप अपना आधार नंबर टाइप करेगा, आपका आधार नंबर जब टाइप करेगा तो आपके ओटीपी आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी को सेंड किया जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर चेक वेंडर कैटेगरी पहले ही से हो जाएगा, इसके यहाँ फिर एप्लीकेशन टाइप वाला आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, ओटीपी को फिलअप करना है, ओटीपी फिलअप कर लीजिएगा, आपका डिटेल फेच हो जाएगा। फेच करने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने मिलता है, वहाँ पे आपको एक अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा, एक फोटो के साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सबमिट कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ आप देखते हैं आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वही एप्लीकेशन नंबर जो LOR एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वही आपको वहाँ पे टाइप करना होगा और आपको अप्लाई करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, आपका भाई पूरा कंप्लीट वीडियो आपको बना देगा।